की रिश्तेदारी में वो चाचा भी लगेगा महेंद्र पांडे, और उसके बाद इसको बाला फुसला कर बेटी के नाम पर वहाँ पर ले गया पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इसके साथ शादी कर दिया। हम यही जानते थे कि शादी होता है, अब नबालिग है कि बालिग है हमको पता रहता तब ना। अच्छा, आंख बड़ा धसा हुआ था, तुमको नहीं दिखा कि नबालिग है कि बालिग है? तुम्हारी बेटी भी तो 11 साल की है। उसका साथ छोड़ोगी महेंद्र पांडे का? नहीं, माँ के साथ रहोगी? इस टाइम रहेंगे। कब कब तक रहोगी? जब वो छूट जाएगा तब चले जाएंगे। उसी के पास जाओगी? हाँ। वो तो छूटेगा ना, लंबा चला तब भी हम 18 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे। क्योंकि अभी बड़ी खबर आई है सामने कि पांडे जी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वो नाबालिग जो लड़की है वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। और शिवनंदन सर हमारे साथ है जो कि पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील है, और इन्होंने ही फोन किया महरवा थाना में और जल्द से कार्रवाई हुई। और बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ कि अभी दोनों ही महरवा थाना में गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि यदि वो बच्चा कहती है कि मैं अपनी मर्जी से भी शादी की तो भी वो गलत है, मैं अपनी मर्जी से घर से भाग के आ गई तो भी वो गलत है ना। पांडे जी और उनका जो सोशल मीडिया से लेकर जो इंस्टाग्राम है सारे पर उन्होंने अपलोड किया है, बच्ची के साथ जो है उनका सेल्फी है, बच्ची के साथ जो है सिंदूर लगाए हुए फोटो, ये सारा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसी आधार पर अभी पुलिस ने गिरफ्तार पांडे जी को सजा हुआ। कितना सर हो सकता है जीवन कारावास? कम से कम आजीवन कारावास है, इस चीज का वो एक्सक्यूज नहीं ले सकता है। बढ़ाल आपके लिए मैं ये बता दूं कि उस बच्चे को जितना भी होगा हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे उसको मदद करने का। बच्चे के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है और ये जो इंजस्टिस हुआ है उसमें हमारी जितनी भी भूमिका होगी हम देंगे बच्चे को और उसका केस मुफ्त में लड़ेंगे। शादी हम लोग 2 महीने पहले किए थे, घर पे ही किए थे। हाँ, उसकी माँ भी आई थी, उसकी माँ लेकर आई घर में, पूरे हमारे गांव जानता है कि उसकी माँ लेकर आई। अच्छा, इनका सारा गांव जानता है कि लड़की को उसकी माँ लेकर आई, तो इसके गांव वाले क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। पंडित जी किस किस्म के इंसान? बहुत घटिया इंसान थे ना वो, जैसे कि उनको समझना चाहिए कि मेरी भी लड़की उतनी बड़ी है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरी को लड़की को लेकर भाग गए, उनकी लड़की को अगर कोई लेकर भाग गए तो उनको क्या बीतेगा। खुशबू पांडे का यार धर्मेंद्र पांडे, चलो हम मान लेते हैं कि लड़की की माँ लड़की को तुम्हारे पास लेकर आई, तो भोसड़ी के तुम्हारा दिमाग कहाँ था कि तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करके उसका जिंदगी बर्बाद कर दो, हनीमून मनाओ दिल्ली में जाओ। और गांव वाले बताएंगे क्या ये सही है या गलत, बताइए। जो पांडे जी थे वो पांडे जी को आप लोग जानते थे? हाँ, जानते हैं। अच्छा, 11 साल की लड़की के साथ शादी किए थे? हाँ, किए हैं शादी, लेकर भाग गए हैं ना, उनकी शादी भी हो चुकी है, जैसे लड़की लेकर भाग गए हैं वैसी लड़की उनकी है ना, लेकर भाग गए हैं दिल्ली में है कि हम लोग परेशान हो गए हैं। राजी खुशी से ही शादी? हाँ, राजी खुशी से ही हुआ, लेकिन बाद में उसकी माँ गाँव के दबाव में आकर के और ऐसा ऐसा हमको बयान देने लगी कि हम पैसा दिए हैं तो वो किए, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम देंगे, हम खुद कमाते हैं खाते हैं तो पैसा कहाँ से दे देंगे, क्या करते हैं? हम टेम्पू चलाते हैं। जब ये चूतिया कंगाल है, इसके पास पैसा नहीं है, तो फिर ये आरोप क्यों लगा रहा कि वो पैसा टालने के लिए अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ के गई थी? लेकिन वो इसे बोली थी कि तुम शादी करो, शादी करके और पैसा टानो, बोली हमसे कि ऐसे ऐसे हमारे पास रहने लगी तभी बोली, हम बोले कि ऐसा बात है तो ये गलत है, अगर जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो किसी और के साथ जाओगी, किसी और के साथ जाओगी, कितने बार जाओगी, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारे माँ का बन जाएगा, चलो कोई बात नहीं है तुम पैसा कमा के रख दोगी, लेकिन तुम्हारा तो जीवन सार्थक नहीं होगा, आज हमारे साथ धोखा करोगे कल उसके साथ करोगे, तुम्हारा छवि खराब हो जाएगा, कोई तुमको नहीं रखेगा, चलो हमारे साथ पहली बार ऐसा कर रही हो तो फिर रह जाओ, फिर रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी दिक्कत नहीं है, तुम भी रह गई, तुम्हें भी मजा आ रहा है। हाँ, अब तो शादी कर ले, अब दूसरे से करोगी नहीं? नहीं। छोटी सी बच्ची के दिमाग में क्या क्या भर दिया और कैसे बातों को घुमा रहा है, आगे देखिए। फिर लोग बात किया हमसे, बात करने के बाद बोला कि एक हमारे पास लड़की है उसको ले जाकर रखिए और बाद में चल के शादी कर लीजिएगा। हम कर लिए, हम का समझे कि हमको फंसना पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम ऐसा क्या मानते हैं, आपने क्या गलती कर लिया? हम पहले कुछ गलती नहीं जानते थे, हम यही जानते थे कि शादी होता है, कर लिए, हम नहीं जानते थे कि क्या गलती है क्या सही है, अगर जो जानते तो ऐसा हरगिज नहीं करते। अब नाबालिग है कि बालिग है हमको पता रहता तब ना। अच्छा, आंख बड़ा धसा हुआ था, तुमको नहीं दिखा कि नाबालिग है कि बालिग है? तुम्हारी बेटी भी तो 11 साल की है। वो पढ़ने में उतना तेज थी स्कूल में, क्यों ऐसा हो गया? अब पढ़ाई करोगी? नहीं। अब क्या करोगी? क्या करोगे बोलो? कुछ भी नहीं। घर रहोगी? हाँ। उसका साथ छोड़ोगी महेंद्र पांडे का? नहीं। वो तुमसे बहुत बड़ा है बाबू, इस समय देख सकते हैं इसके दिमाग पर इतना महेंद्र पांडे के द्वारा टॉर्चर किया गया है, दिमाग को इतना सम्मोहित किया गया है कि इस समय बस महेंद्र पांडे। माँ के साथ रहोगी? इस टाइम रहेंगे। कब कब तक रहोगी? जब वो छूट जाएगा तब चले जाएंगे। उसी के पास जाओगी? हाँ। वो तो छूटेगा ना, लंबा चला गया, तब भी हम 18 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे। उसके पास जाएगी? बाबू पढ़ाई करो, पढ़ाई। बच्ची के साथ इतना मानसिक टॉर्चर किया गया यहाँ पर महेंद्र पांडे के द्वारा कि इस समय उसी का नाम रट रही है, किसी दूसरे का नाम इसके जबान पर आ नहीं रहा है, मम्मी का भी नाम नहीं आ रहा है और किसी और का पढ़ाई लिखाई का तो नाम आ ही नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, इसका दिमाग में दूसरा कुछ किस दिन आता है। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा उस समय, ठीक है? महेंद्र ही चाहिए? अब देख सकते हैं यहाँ पर महेंद्र के द्वारा इतना टॉर्चर किया गया है, सम्मोहित कर लिया गया है माइंड को, और आपका भी दोष है, आप सब मिलकर इसकी जिंदगी खराब कर दी। बोला लू काय के इतने कम का संग रह जबे कम का जंत नहीं, टाइम के नारे में हम रहे काय रहे
उम्र इसका जन्म तिथि है 2012। कल हम लोग वहां पर गए थे विद्यालय में, हेडमास्टर इस समय इस बच्ची को जहां फेरा जाएगा, दिमाग जिस तरफ घुमाया जाएगा उधर ही घूम जाएगा, वही ये करने लगेगी। महेंद्र पांडे के द्वारा यही किया गया। दूर की रिश्तेदारी में वो चाचा भी लगेगा महेंद्र पांडे, और उसके बाद इसको बाला फुसलाकर बेटी के नाम पर वहां पर ले गया पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन वहां पर इसके साथ शादी कर ली। बाल विवाह अपराध माना जाता है जो राजस्थान में होता है, और इधर बिहार जिले के अररिया में भी काफी देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर भी सिवान जिले में भी बाल विवाह देखने को मिल गया, और वो जो महेंद्र पांडे था उसके द्वारा ही ये घिनौना हरकत किया गया है। बस हम झूठ बोल रहे हो, नाम झूठ बोली मेडिकल का कहा था, मेडिकल का कहा था। अब हम ये कहें कि क्या कोई सब खुलिया मतलब बता दे, गलत काम भाई बा। ये सबसे बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि इनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है, और ये मेडिकल से प्रूफ में आया है। मेडिकल भाई बन हुआ है, मेडिकल हो गया है। एक बात बता दो, ये तुमको क्या उठा कर ले गए थे क्या, या फिर भगा कर या फिर फुसला कर ले गए थे क्या? नहीं ले गए थे। नहीं, तुम्हारी माँ आरोप लगा रही है कि हमारी बेटी को भला कर लेकर चले गए, जबरदस्ती शादी की, कितनी सच्चाई है? हमको नहीं पता है, आप जाइए। कहीं नहीं बोल रही, उस दिन बोल रही थी दूसरे में, कुछ चैनल पे, आज क्यों नहीं बोल रही है? कोई दबाव है? आप तुम आप लोग शादी कर लिया दूसरे से, ये सही है ना? आप लोग दूसरे से शादी कर लिया है ना? बोलो ना, समझा शादी हुई कि नहीं हुई है? अरे हुई है तो ही बताओ, नहीं हुई बताओ। शादी आपकी हो गई इनसे? हाँ हो गई है। शादी कर ली है? थोड़ा थोड़ा हाँ। कहाँ पे आप लोग शादी की है? हमको नहीं पता है। शादी मतलब घर में हुआ है फिर कहीं और जाकर देख लेते हैं, आपकी मर्जी से शादी होता है? हमको हमको नहीं पता है। तो शादी जो हुआ था किसके मर्जी से हुआ था? हमको नहीं पता है। महेंद्र जबरदस्ती शादी की है तुमसे? नहीं। तुम राजी खुशी से शादी किए हो, अपने खुशी से किए हो, या फिर जबरदस्ती किया गया? क्योंकि अभी तो तुम नाबालिग हो। कितना उम्र तुम्हारा? 12। फिर कैसे शादी हो गया उनसे? तुम तो शादी कर ली हो तो इन्हीं के साथ होगी, शादी तुम्हारी हो गई है? हमको नहीं पता।